आज जो बजट 2024-25 है उसके लिए अजमेर जिले से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। और बैठक में हम लोगों ने ये चर्चा की कि पिछली मीटिंग से इस मीटिंग के दौरान हम लोगों ने किस किस प्रकार की तरक्की कर ली है। जो लैंड अलॉटमेंट ड्यू थे वो लैंड अलॉटमेंट हो गए हैं क्या, प्रस्ताव जयपुर चले गए हैं क्या, और उन पर फर्दर जो भी कार्रवाई होनी है उसका एक जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस पिछले 18 दिन में हुई है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, इवन अलॉटमेंट भी हो गए हैं, प्रपोजल भी जयपुर में चले गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह से बजट घोषणाएं अजमेर ज़िले की लागू होनी चाहिए वो काफ़ी तेज़ी से लागू होंगी। उसके बाद हमने कुछ विभागों के जनरल रिव्यू भी किया है और विभागों को ये कहा है कि राज्य सरकार के जो निर्देश लगातार आ रहे हैं उनकी मंशा के अनुसार आम जनता को रिलीफ देने के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई की जाए। आज जो बजट 2024-25 है उसके लिए अजमेर ज़िले से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। और बैठक में हम लोगों ने ये चर्चा की कि पिछली मीटिंग से इस मीटिंग के दौरान हम लोगों ने किस किस प्रकार की तरक्की कर ली है। जो लैंड अलॉटमेंट ड्यू थे वो लैंड अलॉटमेंट हो गए हैं क्या, प्रस्ताव जयपुर चले गए हैं क्या, और उन पर फर्दर जो भी कार्रवाई होनी है उसका एक जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस पिछले 18 दिन में हुई है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, इवन अलॉटमेंट भी हो गए हैं, प्रपोजल भी जयपुर में चले गए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह से बजट घोषणाएं अजमेर ज़िले की लागू होनी चाहिए वो काफ़ी तेज़ी से लागू होंगी। उसके बाद हमने कुछ विभागों के जनरल रिव्यू भी किया है और विभागों को ये कहा है कि राज्य सरकार के जो निर्देश लगातार आ रहे हैं उनकी मंशा के अनुसार आम जनता को रिलीफ देने के लिए सभी प्रकार की कार्रवाई की जाए। ये इशू मेरे सामने आया नहीं है, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके बता सकूंगा। अच्छा, ये मुझे जानकारी नहीं थी, डेफिनेटली मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा जी। अच्छा, ये चूंकि मुझे किसी ने बताया नहीं है और मैं इस बारे में जानकारी करके ही बता पाऊंगा।